सोशल मीडिया के जरिए अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी में जुटी है पुलिस। दरअसल राज्य में बढ़ रहे क्राइम ग्राफ को लेकर झारखंड पुलिस लगातार निशाने पर रही है। विपक्ष एक तरफ जहां पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रही है, तो दूसरी तरफ आम जनता भी दबी जुबान में ही सही यह कहती नजर आ रही है कि कहां है पुलिस। बावजूद इसके पुलिस के बयान का स्वागत हो रहा है, खासतौर पर महिलाएं प्रशंसा करती नजर आ रही हैं। जारी किया गया है, मेरे ख्याल से ये बहुत सही है क्योंकि आजकल महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, है ना। और हमेशा वो कहीं भी जाती तो हमेशा असुरक्षित लगता है कि कुछ कहीं हादसा तो नहीं हो जाएगा, कुछ दुर्घटना तो नहीं हो जाएगा। इसके लिए यदि आप कोई नंबर जारी कर रहे हैं प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से, तो ये बहुत अच्छी बात है। घर से जो बाहर निकलते हैं या ऑफिस से अगर हम लेट से आते हैं तो रास्ता में कभी कुछ दुर्घटना होता है, किसी तरह से एट्रोसिटीज होती है या फिर किसी तरह से एब्यूज जो होता है, तो इस मामले में अगर ये नंबर सही भी कारगर है डीजीपी के भरोसे को अमली जामा पहनाते हुए राजधानी रांची के पुलिस कप्तान सुरेंद्र झा ने क्राइम कंट्रोल के लिए दो व्हाट्सएप नंबर 8987790699 और 99059364900 जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि कहीं भी कोई भी मुसीबत में हो या उसे परेशान किया जा रहा हो तो तत्काल व्हाट्सएप नंबर पर पुलिस को सूचना दे, पुलिस तत्परता के साथ सुरक्षा और सहायता उपलब्ध कराएगी। महिलाएं जिनको किसी तरह का भी सेक्सुअल हरासमेंट का फेस करना पड़ रहा है कहीं भी, चाहे स्कूल में आते जाते समय, अपना पड़ोस में, अपना काम करने वाला है तो कामकाजी महिला है तो काम करने के जगह पर है, तो वो मैसेज भेज दे। उसमें मैसेज मिलते ही एक डीएसपी और कुछ पुलिस महिला पुलिसकर्मी के साथ इनको कॉन्टैक्ट करेंगे, गोपनीय ढंग से जांच होगी पूरी मामला का। महिला सुरक्षा को लेके दो नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है, साथ ही कॉलिंग नंबर भी है, ये प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं अपने समस्त जिलावासियों को प्रसिद्ध कर रहा हूँ, जिसका कि इंचार्ज एक इंस्पेक्टर लेडीज एंड ऑफिसर है ममता कुमारी, वो होगी। और ये डिस्ट्रिक्ट में हर तरह के महिला माँ वनस्पति जो अन्याय हो रहे हैं, जो छेड़खानी, जो ई पिजिंग, जो क्राइम हो रहे हैं, उस पर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उनका सूचना जो है तापता गुप्त रखा जाएगा, साथ ही एक सेपरेट सेल की तरह इस पर काम किया। बहरहाल पुलिस के इस पहल की सराहना और स्वागत तो बहुत की जा रही है, लेकिन पुलिस को भी सोचना होगा कि नेताओं के भाषण की तरह आश्वासन देने का काम अब बंद करें। उसे यह भी समझना होगा कि सोशल मीडिया को लेकर वह कितना वेल इक्विप्ड है।